पेट्रोलियम पदार्थों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की धनबाद इकाई की ओर से शहर में अनोखा प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारी बैल बनकर सड़क पर उतरे। यूनियन की ओर से ठेलो मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में 200 से ज्यादा MR शामिल हुए। उन्होंने मोटरसाइकिल ठेल कर ही शहर भर का भ्रमण किया। रणधीर वर्मा चौक पर सभी एकजुट होकर वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन के संयुक्त महामंत्री असीम हलदर ने बताया कि केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों में बेतहाशा वृद्धि करते जा रही है, जिस पर सरकार बिल्कुल ही नियंत्रण खो चुकी है। पेट्रोल के मूल्य में आए उछाल से MR को काफी दिक्कत हो रही है, साथ ही जनता भी त्रस्त है। मध्य वर्गीय परिवार के लिए मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराना अब पहुंच से बाहर होता जा रहा है। यूनियन पूर्व में भी मूल्य वृद्धि से सरकार को अवगत कराते हुए इसके नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग कर चुकी है। सरकार राज्य व केंद्रीय करों को घटाकर इस पर नियंत्रण ला सकती है, इसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। ऐसे में यूनियन आगे वृद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हमारा बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का जो प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन हमारा एक विरोध दिवस है। ये विरोध दिवस बेसिकली जो पेट्रोलियम पदार्थों का बेतहाशा मूल्य वृद्धि हो रही है और केंद्रीय सरकार जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य वृद्धि किए जा रहे हैं, आज तो LPG का भी कीमत वो बढ़ा दिए हैं, इस विषय को लेकर हम लोग सरकार को कई बार गुहार जताए हैं, लेकिन सरकार इसमें अनदेखी कर रही है। आज मजदूर वर्ग बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के नेतृत्व में रोड में आया है और रोड में ठेलो मोटरसाइकिल रैली निकाला है। ये ठेलो मोटरसाइकिल रैली ये है कि ये मोटरसाइकिल को पेट्रोल भर के हम चलाने का परिस्थिति में नहीं है, मोटरसाइकिल को बैल चला रही है। सरकार को हम गुहार जताना चाहते हैं कि अविलंब पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य वृद्धि अगर रोके नहीं, पूरे भारत में और आगामी दिन में हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए सरकार जिम्मेवार ठहराया जाएगा। क्या नाम है सर? असीम हलदर, बिहार झारखंड।